अस्सलामुअलैकुम। आज जा रही हूँ मैं झींगा बनाने के लिए। तो जिसके लिए पहले हम झींगों को धो लेंगे। इसको ना साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मच्छी मिनिमम हम जितना टाइम लेती है मच्छी साफ़ करने में, ये उससे दुगना तिगना वक्त लेती है साफ़ करने में। ये छोटे छोटे से होते हैं ना, इसीलिए बहुत टाइम लगता है। तो चले, ये क्लीन हो चुके। उसके बाद अम्मी इसमें हल्दी और नमक डाल कर रख दी थी, और इसको अब मैं फ्राई कर लूँगी। तो फ्राई इन द सेंस, इसमें हम डालेंगे नमक, थोड़ा सी हल्दी और तेल, थोड़ा सी एक चम्मच तेल डालेंगे, और गैस ऑन करके इन सारी चीज़ों को हम इसमें से, अभी पानी जब ये गर्म होंगे ना तो इसमें से पानी निकलेगा, तो वो पानी हमें खुश कर लेना है। और झींगे हैं वो इसी पानी में और अभी इसी वक्त पक जाएंगे। तो चले मैं आपको बीच बीच में दिखाती रहूँगी। देखिए इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि झींगे हैं उसमें हल्दी नमक अच्छे से कोट हो जाए हर झींगे में। और ये ना थोड़े बड़े बड़े झींगे थे, वरना इसे छोटे छोटे झींगे होते हैं वो भी टेस्टी होते हैं। और इसे हम पका लेंगे। देखिए ये बड़े झींगे, जब हम छोटे झींगे पकाते हैं ना, तो जब गैस चालू होता है और थोड़े से झींगे जब गर्म हो जाते हैं ना, तो इसमें पानी छोड़ता है। तो इसमें अभी तक फ़िलहाल तो पानी नहीं छोड़ा है, तो मैंने गैस का फ्लेम स्लो कर दियो और इसे मैं कवर कर दूंगी, और कवर करके मैं इसे पका लूंगी। देखिए जब मैंने इसे कवर करके स्लो फ्लेम पे बनाई, तो इस तरह से इसमें से पानी जो है वो निकलते हैं झींगे में से, और इसी पानी में झींगे अच्छे से पक जाते हैं। तो चले हम बीच बीच में इसे घुमाते भी फिराते भी रहेंगे, ताकि जो सारे झींगे हैं वो ऊपर नीचे होते रहें और सारे झींगे पक जाएं। देखिए खाना स्लो गैस पे पकाने का बहुत फ़ायदा होता है, खाना बहुत अच्छे से और टेस्टी बनते हैं। तो चलें अब मैं वापस से इसे कवर कर देती हूँ। तो देखिए जो ये मच्छी होती है झींगा, वो ट्रांसपेरेंट कलर की होती है, और जब ये पकती है तो ये इस तरह से हार्ड हो जाती है, मतलब इसका कलर चेंज हो जाता है। तो चलें इसमें बहुत सारा पानी है, अब हम गैस का फ्लेम फास्ट करके इसका पानी है वो खुश कर लेंगे। मतलब झींगा हो चुका है, क्योंकि झींगा देखें पहले बड़े बड़े से थे, अब इस तरह से हो गए, और ये झींगा फ्राई हो चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसका मसाला वो तैयार कर लेते हैं। तो देखिए झींगा हो चुका है, हम मसाला निकाल लेंगे। तो ये एक छोटी प्याज है, कांदा है, इसे हम इस तरह से बारीक कट कर लेंगे। बघार के लिए हम लेंगे कड़ी पत्ता, दो छोटे मीडियम साइज़ के टमाटर लेंगे, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, दो चम्मच धनिया पाउडर। अगर आपने इसे सूखा बनाना है, भुना बनाना है, तो आप कांदा वो थोड़ा ज़्यादा कर दें। मैं थोड़ा हल्का सी मतलब सालन लगाऊंगी, मतलब पानी थोड़ा हल्का सी, एकदम भुना नहीं रहेगा, अम्मी को नहीं पसंद है इसीलिए। ये दो चम्मच धनिया पाउडर है, मिर्ची टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी आधा चम्मच, और एक चम्मच गर्म मसाला। तो इसमें नमक नहीं है, क्योंकि डबल से नमक मैंने झींगे में डाल दी थी, अम्मी ने एक दफ़ा डाली थी, मुझे पता नहीं था, तो मैंने पकाते वक्त डाल दी थी, बाद में अगर कम होगा तो मैं ऐड कर दूंगी। तेल गरम हो चुका है, पहले हम इसमें झोंक के लिए डालेंगे कड़ी पत्ते। अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ते हैं तो बहुत बढ़िया सी बात है, फ्रेश नहीं थे। फिर इसके अंदर हम कांदा डाल के कांदे को फ्राई कर लेंगे। देखिए कांदा हो चुका है, अब इसमें हम मसाला ऐड कर देंगे, और मसाले के साथ थोड़ा सी पानी भी ऐड कर देंगे, ताकि मसाले हैं वो भून सके। इसमें थोड़ा सी पानी डाल देंगे, ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से भून सकें। तो चलिए मसाला हो रहा है, जब तक हम कर लेते हैं दूसरा काम। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को भी झींगा पसंद है कि नहीं। मेरे घर में झींगा सबको पसंद है, भाई अम्मी अब्बा सबको बहुत ज़्यादा, और बहुत शौक से खाते हैं। देखिए जब मसाला है ना 90% हो जाए, जब इसमें 10% की कसर रहना, तो हमने गैस का फ्लेम स्लो कर देना है और इसे स्लो फ्लेम पे बढ़िया से भून लेना है। तो चलिए ये स्लो फ्लेम पे पकते रहेंगे, जो रही कहीं कसर 10 मिनट की है वो पूरी हो जाएगी, और इसमें से खुशबू बहुत बढ़िया सी आ रही है। मेरे घर में झींगा सबको पसंद है सिवाय मुझे, मैं इतना शौक से नहीं खाती हूँ, तो मैं अपने लिए कुछ और बना लूँगी। देखें जो 10% की कसर थी वो भी पूरी हो चुकी है, और ये मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं। अब इसके अंदर जाएगा झींगा, और झींगा के साथ इसमें जाएगा थोड़ा सी पानी। पता है झींगा साफ़ करने में बहुत वक्त लगती है, और मेरे घर में जो मच्छी वगैरह है वो अम्मी साफ़ करती हैं, इसमें से स्मेल आती है वो अच्छी नहीं लगती है। तो घर में मेरे घर में ना मच्छी अम्मी माशाल्लाह बहुत शौक से खाती है,
और मुझे चिकन वगैरह ज़्यादा पसंद है, मटन भी पसंद है, तो झींगा या मच्छी अम्मी अब्बा ये खाते हैं। और मतलब भाई हर मच्छी नहीं खाता है, सिर्फ झींगा खाता है, तो उसे झींगा बहुत पसंद है। तो चले मैं झींगा और इसके अंदर ऐड कर देती हूँ थोड़ा सी पानी, ताकि पानी के साथ झींगे मसाले में अच्छे से भुन सके। ये गए मसाले में झींगे और थोड़ा सी पानी, अब इसमें झींगा है, वो बढ़िया से भुन जाएंगे। और देखिए ये भुनने के बाद मतलब थोड़ा मसाला, मसाले के साथ झींगा पकता है ना, तो इसका टेस्ट और बढ़िया हो जाता है। और मैं इतना ही मतलब इसके अंदर पानी डालूंगी ग्रेवी के लिए, जितना अभी है, बाकी आप चाहें तो मैं अभी जब इसे भूनूंगी मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। देखिए झींगा ऑलमोस्ट हो चुका है और इसमें खुशबू ना बहुत अच्छी सी आ रही है, बट मैं खाती नहीं हूँ, इतना मुझे पसंद नहीं है। एक दो छोटे छोटे पीसेस हैं जो वो खा लेती हूँ, बट शौक से नहीं खाती हूँ। देखें आप चाहें तो आप इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं, ऐसे ही भुना बना सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़िया बनते हैं। बट मेरी मम्मी को भुना नहीं पसंद है, चाहे मैं चिकन ही बनाती हूँ, मटन बनाती हूँ, बीफ बनाती हूँ, कुछ भी, तो उनको भुना नहीं पसंद है। थोड़ा सी पानी डाल दिया कर। और देखें ये बढ़िया से तैयार हो चुके हैं, और मैं इसमें जितना आपने ग्रेवी रखना है आप वैसे रख सकते हैं। इसमें आलू भी डालते हैं, जिस तरह हम आलू मटर की सब्ज़ी बनाते हैं, छोटी छोटी आलू कट करके ऐड करते हैं, उसी तरह से इसमें आलू भी ऐड करते हैं। अगर आपने ऐड करना है तो आप कर दें, स्किप करना है तो आप स्किप कर दें। ये ऐसे भी बड़े अच्छे लगते हैं और वैसे भी। तो चलिए मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ थोड़ा सी। देखें इसमें मैंने इतना पानी ऐड किया, और इसी स्टेज पे हम इसमें नमक टेस्ट कर लेंगे, अगर नमक कम होगा तो हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। और पानी डालने के बाद हम इसमें 1 से 2 मिनट तक के बॉईल आने देंगे, ये अच्छे से पक जाएंगे, फिर हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। चलिए ये हो गए, हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे ये फ्रेश से हरी कोथमीर, और गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और इसे कर लेंगे डिश आउट। ये टेस्टी से गर्मा गर्म झींगा तैयार हो चुके हैं। तो चलें आप लोग एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बना के ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़।